अक्सर व्लॉग में जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ एंड मोटर व्लॉग शुरू करता हूँ, मैं जाता हूँ पीपी रोड की तरफ। बट आज का क्या सीन है कि मैं अपोजिट डायरेक्शन में निकल गया हूँ एंड मैं जा रहा हूँ मेन रोड की तरफ। टुडे इज 8th ऑफ मई एंड इट्स द थर्ड डे ऑफ लॉकडाउन इन बिहार। तो बहुत क्या सन्नाटा रोड पे पथरा हुआ। अभी बेसिकली शाम के 4 बजे है एंड मेरा कोई ऐसा एम नहीं है कि मेरे को कोई सामान लेना है या फिर मेरे को कुछ लेना है, इसलिए मैं रोड पे निकला हूँ। बट मेरा छोटा सा एम ये है कि मैं आपको बक्सर का छोटा सा टूर कराऊँ, क्या सिचुएशन है लॉकडाउन के अंडर में पूरे बक्सर का। तो कुछ इसी तरीके का सिचुएशन है जैसा कि आपको अभी देख रहा है। आप लोग भी व्हाट्सएप यूज करते होंगे, मैं भी व्हाट्सएप यूज करता हूँ एंड व्हाट्सएप पे मेरे को आज सुबह सुबह एक वीडियो आया है कि बिहार और यूपी का जो कनेक्टिंग ब्रिज है ना, उसके ऊपर 2-3 पुलिस वाले अच्छे अच्छे लोगों की कुटाई कर रहे थे। आई मीन टू से दैट 3-4 पुलिस वाले ऐसे थे जो कि मतलब आम सिविलियंस को वहाँ पे मार रहे थे। तो दिस इज अ वेरी बैड थिंग, ऐसा नहीं होने का है। एंड सामने देखो आपकी अभी पुलिस की गाड़ी लगी है, तो शायद से कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कराया जाएगा। आसपास में हॉस्पिटल है बहुत सारे, इसीलिए यहाँ पे हो सकती है पुलिस खड़ी हो। अब तो मेरा आई गेस प्रोटोकॉल को फॉलो कराने के लिए पुलिस वाले लोग अभी रोड पे घूम रहे हैं। 2-4 ब्लॉग के अंदर मेरे 5,000 सब्सक्राइबर वो कंप्लीट हो जाने वाले हैं एंड मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। वो बात कुछ इस तरीके से है कि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स मैंने देखा है अपने यूट्यूब करियर को लेके या फिर अपने पर्सनल लाइफ को लेके, बट आप लोगों का जो सपोर्ट एंड आप लोगों का जो प्यार मेरे को हमेशा मिला मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, उस चीज के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उसको बयां कर सकूं, क्योंकि वैसा प्यार एंड वैसा सपोर्ट मिला इज नॉट पॉसिबल इन दिस एरा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो भाई। आप लोग 100 लोग ही देखते हैं, 200 लोग ही देखते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। बट मेरे को जो 100 लोग जेन्युइन देखते हैं ना, वो मायने रखता है मेरे लिए। इसीलिए आप लोग का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कभी कभी रोड पे निकलता हूँ या फिर कभी कभी मॉल्स वगैरह में जाता हूँ, तो मेरे भाई लोग मेरे से कनेक्ट करते हैं वहाँ पे आने के बाद। आके बोलते हैं कि भाई मैं आपको ब्लॉग देखा हूँ, मैं आपको मैंने कभी देखा है, तो दैट मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। आई एम एट सैंडी गेट एरिया से मेरा तो पुराना रिश्ता है, जहाँ पे अपने ये जो ब्लैक ब्यूटी है वो हमेशा खराब होती है, तो यहीं पे आती है बनने के लिए, जस्ट बजाज सर्विस सेंटर। अपने शहर बक्सर का भ्रमण इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि मैं आपको कंडीशन दिखा सकूँ बक्सर का, क्या सीन है अभी बक्सर में लॉकडाउन को लेके, कि लोग कितना फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप लोग ये कहोगे तो ये तो जर्नलिस्ट का काम है, आप क्यों कर रहे हो। मैं आपको आंसर बताऊँ कि बॉस मैं भी जर्नलिज्म का ही स्टूडेंट हूँ, आज नहीं तो कल मेरे को भी यही करना है, कल की वजह आज ही कर लूँ तो क्या प्रॉब्लम है। करंटली आई हैव अराइव्ड टू द गोलंबर ऑफ बक्सर एंड मैं आपको एक मेजर अपडेट दिखाना चाहता हूँ गोलंबर के पास का, इसलिए मैं इधर को आया हूँ। एंड द मेजर अपडेट इज दैट कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या सीन अभी देखने को हम लोग को मिलेगा कि जो रोड है ना, ये वाला रोड एंड ये वाला रोड को चौड़ा किया जा रहा है, जिसके बाद इतनी चौड़ाई होगी रोड, आप खुद से अनुमान लगाओ कि वहाँ से अगर चौड़ाई यहाँ तक मिला दी जाए, इस रोड में आने के बाद फिर कितना ज्यादा मजा आने वाला है अपने लोग को। एंड एक और चीज बताऊँ कि सामने चल रही है पुलिस की बहुत तगड़ी वाली चेकिंग, बिकॉज है यूपी बॉर्डर एंड बिहार बॉर्डर, इसलिए मैं उधर जाना प्रेफर नहीं करूंगा। यहाँ से मैं यू टर्न लेता हूँ, शहर में ले चलता हूँ आपको एंड वहाँ का नजारा दिखाता हूँ। जब लॉकडाउन नहीं लगा हुआ था, अगर आप इस रोड में गलती से भी आ जाते इस वक्त में, क्या होता आपके साथ, आप पूरा जो है ना डस्ट से नहा लेते, इतना धूल आपके शरीर पे जम जाता कि कपड़ा झाड़ते तो पूरा आपका रूम धूल धूल हो जाता। बट अभी लॉकडाउन की वजह से कितना सन्नाटा पसरा है वो तो आपको दिख ही रहा होगा। अभी भी कुछ शूरवीर महान लोग हैं रोड पे जो कि घूम रहे हैं बेवजह। मैं अपने आप को भी उसी शूरवीर बहादुर लोगों के कैटेगरी में रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी यूजलेस रोड पे घूम रहा हूँ। अरे भाई साहब, दाऊद इब्राहिम आया क्या बक्सर में, इतनी सारी गाड़ियां लगी है, वो भी स्कॉर्पियो, ऊपर से एक ही कलर व्हाइट, यानी कि किसी डॉन का एंट्री है, शादी हो रही थी वहाँ पे, मेरे को लगता है डॉन से कम नहीं है, इतनी सारी सफेद गाड़ियाँ आई हैं उसके लिए। और ये अपने शहर के मेन रोड का स्थिति है, जहाँ पे सामने गुलजार हुआ करते थे एंड इस रोड पे हमेशा टेम्पू का ऑटो का जाम लगा रहता था, आज वहाँ कोई नहीं है, सब लोग थक मार रहे हैं अपने घर में, लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। रोड पे आपको नॉट अ सिंगल वन, मतलब मेरे हिसाब से जिनको काम है वही होंगे रोड पे, बाकी मेरे जैसे तो कोई घूम नहीं रहे होंगे, आपको कंसिडर करूंगा, जस्ट जोकिंग, मैं भी अपने काम से ही निकला हुआ हूँ। खैर, इस रोड में यहाँ पे हमेशा जाम लगा रहता था, आज इस जाम को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। ऐसा कहते हैं ना, लाइफ से कोई चला जाए तो आप उसको बहुत मिस करोगे, तो वैसे ही सीन है कुछ। कौन सा ब्रिज है? अपने एरिया में यानी कि पीपी रोड में मैं अभी आ चुका हूँ एंड पीपी रोड में मतलब लोगों को डर और है नहीं। एंड एज यूजुअल पीपी रोड की जो स्थिति है, जैसे कि सारे ब्लॉक्स में आप देखते हो, तो कुछ उसी तरीके की स्थिति है। यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा है, लोग कुछ ज्यादा एडवांस है, तो बहुत जाहिर सी बात है कि रोड पे ही रहेंगे, लॉकडाउन का फॉलो नहीं करते हैं। जितने भी फॉरवर्ड लोग होते हैं, तो वो आपको सीधा प्रमाण आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। आई मीन टू से दैट ये लॉकडाउन लगा है, बहुत घर में रह लो, थोड़ा आराम कर लो कुछ दिन के लिए, अगर बहुत अर्जेंट है तो निकलो। जैसे अभी मेरे को बहुत ज्यादा अर्जेंसी थी ब्लॉग बनाने के लिए, तभी मैं जाके घर
से बाहर निकला वरना मैं निकलता नहीं। एंड बक्सर की फीमेल्स का फेवरेट प्लेस क्या है, तो वो है रामरेखा घाट का चूड़ी बाजार। चूड़ी बाजार कुछ इस तरीके से है, एंड यहाँ से शुरू होता है, लंबा पीछे जाता है, वहां तक जाता है ये चूड़ी बाजार। एंड चूड़ी बाजार में ऐसा सन्नाटा, शायद ही कभी भूकंप वगैरह आया हो तो मैंने देखा होगा, इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं है इतना सन्नाटा चूड़ी बाजार में जितना है। इस रोड में आगे जाना है, यानी कि रामरेखा घाट को क्रॉस करते हुए हम लोग को जाना है पुलिस चौकी की तरफ। एंड वहां पे जाता हूँ और देखता हूँ कि पुलिस पकड़ते हैं कि नहीं मेरे को। तो ये है पुलिस चौकी बक्सर का, मतलब हेडक्वार्टर है पुलिस का, आदर्श नगर थाना है, यहाँ पे पुलिस लोग हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि इन लोग को छेड़ू, चुपचाप मैं आगे जाता हूँ। बक्सर का जो बाईपास रोड है वो कभी से इतना ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं था, मतलब यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो एज यूजुअल है। अभी मैं क्या करता हूँ कि स्टेशन पे लेके जाता हूँ, स्टेशन का सीन आपको दिखाता हूँ कि स्टेशन पे क्या सीन है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 का ये नया वाला ब्रिज बना हुआ है, एंड फाइनली वी हैव अराइव्ड टू द स्टेशन ऑफ बक्सर। और बक्सर स्टेशन पे भीड़ वैसे ही एज यूजुअल, मतलब लोगों का आवागमन जो होता है ना, आवागमन वो तो कंटिन्यू है। एंड यहाँ पे अपना फ्लैग चोरी हो गया मेरे हिसाब से, यहाँ पे क्या सुंदर सा झंडा फहरता था पहले। एंड दिस इज द रियल सिचुएशन ऑफ बक्सर रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे ज्यादा देर रुकना भी सही नहीं है, कहाँ से कोरोना वायरस उड़ के अपने नाक में घुस जाए, इससे पहले हम लोग यहाँ से भाग लेते हैं। आपको मैं एक बहुत ही दिलकश चीज दिखाता हूँ कि ये देखो क्या नाच हो रहा है शादी में, जबरदस्त वाला। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं आपको इंटरटेन करूं डांस से, बट अचानक से ऑन द स्पॉट मेरे को ये डांस दिख गया, तो वही मैं आपके साथ शेयर किया हूं। अभी फिलहाल मैं एक गांव की तरफ जा रहा हूं जिसका नाम है पडरी, वहां पे कुछ काम है अपना पर्सनल, तो वही मैं करने जा रहा हूं। बक्सर में 4 लेन का कंस्ट्रक्शन कहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक आ गया। जैसे आप बक्सर से बाहर निकलोगे आपको मिल जाएगा 4 लेन। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, आई थिंक ड्यूरिंग लॉकडाउन ये कम्प्लीट भी हो जाने वाला है, तो आपको बक्सर से ज्यादा दूर भी नहीं आना है, 500 मीटर के अंदर ही जैसे ही बक्सर से बाहर निकलोगे आपको मिल जाएगा 4 लेन। इस साइड का रास्ता तो नहीं बना है, बट इस साइड का रास्ता पूरा मतलब लगभग बन चुका है। आप ये जो जाम देख रहे हो ना, ये कोई शादी नहीं है, यहाँ पे कोई लोग मरे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको कद्दू मिलेगा, धनिया मिलेगा, टमाटर मिलेगा, प्याज मिलेगा, थोड़ा मोड़ा आइटम मिलेगा। एंड थोड़ा मोड़ा आइटम लेने के लिए अगर आप इतना क्राउड लेके आ जाओगे मार्केट में, तो फिर जो कोरोना भाई है अपना, कोरोना भाई को आ जाएगा गुस्सा। जब कोरोना भाई को गुस्सा आता है तो कुछ असर नहीं करता है, वो लॉकडाउन लगवा देता है। एंड जब लॉकडाउन लग जाता है तो आदमी मेंटल हेल्थ से या फिर खुद के हेल्थ से मरने लगते हैं। अब यहाँ तक आ गए वीडियो में, अगर लॉकडाउन का समय है घर पे रहो, एंजॉय करो, मैं यही कहूंगा। एंड वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्या करो अपने प्लेलिस्ट में मेरे वीडियो को सेव कर लो, के बाद मेरे मतलब जितना भी वीडियो ना उसको देख देख के एंजॉय करो, आपका लॉकडाउन बहुत बढ़िया कटने वाला है। इसी के साथ कर रहे हैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पे क्लोज, एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड।